नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, यूथ कंपटीशन का ये आगे का पार्ट है। अभी तक ज्योति मैम पढ़ा रही थी और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आगे का पार्ट मैं कुछ टाइम तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर से पुनः ज्योति मैम से आप पढ़ेंगे। और उनसे ऑफलाइन क्लास लेते रहिए, ऑनलाइन भी क्लास करना है ऑनलाइन भी क्लास करते रहिए। उनका नंबर आप कॉन्टेक्ट करिए, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, और जो भी ये यूथ कंपटीशन का बुक खरीदना चाहते हैं लिंक भी है। तो ज्योति मैम का नंबर है 9599670200 पे कॉन्टेक्ट करें और वहां से ऑनलाइन आर्ट की क्लास पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं यूथ कंपटीशन का आगे का पार्ट। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य में इलोरा गुफाएँ स्थित हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको विधिवत ध्यान से देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित है इलोरा गुफा, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफा से 135 किलोमीटर दूर स्थित है और इलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में हुआ। इलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासन कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 ईस्वी के मध्य कराया था। सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर इलोरा में 34 गुफा मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें 12 दक्षिणी मुखी बौद्ध धर्म, मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म के तथा उत्तर मुखी के यानी बीच में लास्ट जो है 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, यानी 34 गुफाएं 3 धर्म से संबंधित है। इलोरा गुफा संख्या 15 में दशावतार मंदिर निर्माण दंत दुर्ग सेकंड के काल में हुआ। इलोरा गुफा संख्या 14 में प्रमुख मूर्तियाँ रावणानुग्रह, अंधकारी नरेश, उमा महेश्वर, नवग्रह लक्ष्मी और भूदेवी से वेष्टित विष्णु, गणेश सहित महिषासुरमर्दिनी, दुर्गा, गजलक्ष्मी, गंगा, यमुना की उल्लेखनीय मूर्तियां हैं। बाघ गुफाओं की अवधि क्या है? आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गुफाओं की अवधि यानी समय क्या है? तो उन सातवाहन राजवंश के समय की बाघ गुफाएँ बनी हैं। बाघ गुफा की अवधि सातवाहन गुप्त राजवंश की है। कला इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने बाघ गुफा की चित्रकारी का समय 626 से 628 ईस्वी माना है। कला मर्मज्ञ फर्ग्यूसन और वर्गीस ने बाघ गुफा का निर्माण 200 ईसा बताया है। दूसरी गुफा से प्राप्त यही मानेंगे, देखिए कहीं जो विद्वान है वो अपने अपने मतानुसार उसको अलग से डिवाइड करते हैं। तो दूसरी गुफा से प्राप्त महाराजा सुबंधु के ताम्रपद के जो उनका सुबंधु का ताम पत्र मिला है, उसके अनुसार बाघ गुफा का निर्माण 4वीं-5वीं शताब्दी माना गया है। बाघ गुफा के देखभाल के लिए दासी लकपल्ली नामक ग्राम दान में दिया गया था। और बाघ गुफा में छठी गुफा में गौतम बुद्ध की अनेक चित्र हैं, जिसमें से उस निस बुद्ध का सुंदर चित्र है। 17 घुड़सवारों का एक दृश्य बाघ गुफा में अंकित किया गया मिलता है। और बाघ गुफा के चौथी गुफा में 2 सोका कुल नारी का प्रसिद्ध चित्र है। आगे क्वेश्चन है, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं? तो गुफा संख्या 1 की जो छवियां हैं वो इस तरीके से, बादामी गुफा बांगलकोट जिला कर्नाटक में स्थित है। पूर्व में महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित था, यानी अब महाराष्ट्र प्रांत के में है। तो बादामी गुफा जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। नटराज के रूप में भगवान शिव का चित्र बादामी गुफा संख्या 1 में अंकित किया गया है। बादामी गुफा में अंकित चित्र छवियां सिंहानुरूढ़ राजा रानी संगीत नृत्य का आनंद ले रहे हैं। इंद्रसभा, आकाशधारी विद्याधर और विरहिणी रमणी शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्रित हैं। बादामी गुफा संख्या 1 में नटराज की प्रतिमा है और बादामी गुफा के निकट ही वराह की प्रतिमा है। और दासियों का समूह का चित्रण बादामी गुफा में किया गया है। बादामी गुफा का प्रथम दृश्य शिव विवाह पर आधारित है। आगे का क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? यानी अजंता गुफाओं से पहले की यह बादामी गुफा, यानी सबसे पुरानी जो गुफा है वो बादामी गुफा को माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, बादामी गुफाओं को डैश डैश है के तहत विकसित किया गया, यानी किसके तहत? तो चालुक्यों के तहत विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा स्थित है, जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी जोगीमारा गुफा सबसे प्राचीन गुफा है,
ठीक है, जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान नर्मदा नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। जोगीमारा गुफा के दो गुफाएं हैं, यानी जिसे सीता बोंगड़ा कहा जाता है, सीतारा लांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और सीता बोंगड़ा को नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है। जोगीमारा गुफा के चित्रों जैन धर्म से संबंधित हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता गुफाओं का कब पता चला? 1819 में, यानी डी ऑप्शन सही है, जॉन्स स्मिथ ने पता लगाया था अजंता गुफा को। आगे क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं के पास स्थित है, यानी अजंता गुफाएं किसके पास स्थित है? औरंगाबाद, तो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है कि बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी, यानी जिस ऑप्शन में है फ्रेस्को, टेम्परा, इम्पेस्टो, स्क्रैच तकनीकी, तो यहाँ पे टेम्परा माध्यम से हम बाघ गुफा के चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी टेम्परा माध्यम है। बाघ गुफाओं के भीत पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों से चित्रण किया गया है। बाघ गुफाओं की चट्टाने भुरभुरे बलुए पत्थर की है और बाघ गुफा में काले, सफ़ेद तथा इरौजी रंगों से उत्तम आलेखन बने हैं। लाल, नीले, पीले विरोधी रंगों का प्रयोग किया गया है। आगे क्वेश्चन है, अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्माण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? जन्म से, विवाह से, घर छोड़कर जाना, या मृत्यु से? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही, यानी मृत्यु, जिसे महापरिनिर्माण की संज्ञा बौद्ध भिक्षु ने नाम दिया है। तो गुफा संख्या 26 में महापरिनिर्माण की मूर्ति बुद्ध की मृत्यु के जीवन से संबंधित है, जो कि दर्शन, यहाँ पे महापरिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं आकृतियाँ नासिक में है और कनेरी में है, पुलोनरुवा श्रीलंका, जो कि श्रीलंका में पड़ता है, अजंता में बनी हुई हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्माणि चित्रित है? यानी बोधिसत्व पद्माणि की बात आती है तो गुफा संख्या ये, यानी डी ऑप्शन सही होगा। गुफा संख्या एक में अजंता की बोधिसत्व पद्माणि चित्रित की गई है। आगे क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं के निकट स्थित हैं, यानी किसके निकट स्थित हैं एलोरा? तो अजंता के निकट स्थित होंगी, यानी अजंता और एलोरा, या औरंगाबाद या महाराष्ट्र, ठीक है। ये सब ऑप्शन नज़दीक के देखेंगे तो सबसे नज़दीक अजंता है, तो अजंता यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति में डैश है, तो में है क्या है? प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति, यानी जो एलिफेंटा में त्रिमूर्ति है उसमें क्या है? तो सी ऑप्शन एलिफेंटा गुफाएं हैं, त्रिमूर्ति से एलिफेंटा गुफाएं हैं, ठीक है, जो कि 20 फीट की है। त्रिमूर्ति की ऊंचाई जो है 20 फुट, यानी 6.1 मीटर ऊंची है। आगे देखिए, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? किसके द्वारा कराया गया है? इसमें इस तरीके से ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में है परमारों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, या प्रतिहारों के द्वारा। तो देख ले, एलोरा गुफा में कैलाश मंदिर जो स्थित है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के, यानी 754 से 772 ईस्वी में शिव को समर्पित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था 16वीं शताब्दी में। यानी कैलाश मंदिर एलोरा के 16वीं गुफा में निर्मित है, 16वीं शताब्दी में 16वीं गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है। और ध्वज स्तंभ अपनी विशालता, योजना एवं मूर्तियों के लिए सुंदर योजना से भारतीय स्थापत्य एवं मूर्तिकला का आश्चर्यचकित करने वाला उदाहरण है। कैलाश मंदिर 134 फुट लंबा, 21 फुट चौड़ा, 100 फीट ऊंचा, गुफा संख्या 32 में इंद्र सभा दर्शित है, गुफा संख्या 33 में जगन्नाथ सभा दर्शित है, और गुफा संख्या 30 में छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है पूछा जाता है, और ऑप्शन में है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बी ऑप्शन सही है, यानी महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफा स्थित है। जैसे कि आप जानते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया यानी ताज होटल से 12 किलोमीटर दूर धारापुरी नामक टापू पे, यानी समुद्र के बीच में स्थित है, वहाँ पे शिव द्वारा जाया जाता है, जहाँ की त्रिमूर्ति फेमस है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं से सम्मिलित ये मूर्ति बनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है अजंता गुफा, भीमबेटका, सित्तनवासा, जोगीमारा। तो जोगीमारा गुफा में
सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों की, यानी उस जोगीमारा गुफा में सबसे प्राचीन गुफा है, यानी जिस भित्ति चित्र जिस पे पाया गया, और वहाँ पे 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची उस जोगीमारा गुफा है, और उसकी छत पर चित्रकारी की गई है। 1914 में असित कुमार हल्दर तथा क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किया और उनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर ब्लॉक ने जोगीमारा गुफा चित्रों को यूनानी विषय बताया और डॉक्टर राम राय कृष्ण दास ने जैन धर्म से संबंधित बताया। तो एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला सीता बोंगड़ा जो कि बगल में स्थित है, 1914 में जोगीमारा चित्रों की प्रतिकृतियां असित कुमार हल्दर तथा क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने तैयार की। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से किस कलाकार में देखा जा सकता है? और यहाँ चार ऑप्शन है, तो राहुल समर्पण जो चार ऑप्शन है किस कलाकृति में देखा जा सकता है, तो राहुल समर्पण जो यह चित्र है प्रभाविता का उत्तम उदाहरण राहुल समर्पण नामक कलाकृति में देखा जा सकता है। और प्रभाविता उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम मुख्य आकर्षक के केंद्र पर पहुँच जाती है, तत्पश्चात अन्य आकृतियों पर विचरण कर संपूर्ण चित्र का रसास्वादन करती है। प्राचीन भारतीय चित्रकला में प्रभाविता सिद्धांत का बहुत सुंदरतापूर्वक प्रयोग किया गया है, जैसे अजंता के पद्मपाण, बोधिसत्व, मार विजय, राहुल समर्पण, बाघ गुफा के समूह नर्तक के चित्रों में प्रभाविता के सिद्धांत से दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम केंद्रित आकृत होती है। और आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पे कालक्रम की दृष्टि से सही चयन कीजिए, तो सीता, शीतल, खोरा, कारला, बादामी, महाबलीपुरम, इस तरीके से इसका कालक्रम, यानी कालक्रम की दृष्टि से सही चयन पीतल खोरा, कारला, महाबलीपुरम, बादामी, महाबलीपुरम, उसके बाद महाबलीपुरम लास्ट में है। और पीतल खोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, प्राचीन बौद्ध स्थल है और तीसरी शताब्दी में से ईसा पूर्व के मौर्यकालीन गुफा है। कारला या कारले गुफा ये जो है सनवाइज यानी शासकों के सनवाइज द्वारा इसको निर्धारित किया गया है, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके बीच प्रस्तुत हो रहा है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहिए। बामियान की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बामियान जो कि बहुत ही बड़ी यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा है और जो कि उस पे पत्थर पे ही यानी पहाड़ पे ही बनाया गया है। बामियान की गुफाएं अफगानिस्तान में स्थित हैं। बामियान की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बामियान में चौथी और पाँचवीं शताब्दी में बनी बुद्ध की दो खड़ी मूर्ति थी और मार्च 2001 में अफगानिस्तान के जिहादी संगठन तालिबान ने नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के कहने पर डायनेमाइट से उसे उड़ा दिया गया था, ठीक है। आगे जोगीमारा गुफा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? देखिए यहाँ पे 10×6×6 ये पॉइंट आप याद रखिए, 10×6×6 यानी लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, तो ऊंचाई भी 6 यानी बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे है जोगीमारा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो मूर्ति चित्र के लिए जोगीमारा गुफा, भित्ति चित्र के लिए जोगीमारा गुफा प्रसिद्ध है, सॉरी। तो जोगीमारा गुफा जो कि आप जानते हैं कि विश्व का सबसे प्रथम भित्ति चित्र वाला गुफा है जोगीमारा गुफा, भित्ति चित्रों के लिए, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता में ज़्यादातर बौद्ध धर्म की पूर्वजन की कथा यानी जातक कथाओं से आधारित चित्र बने हैं और तीन रूपों में इसे विभक्त किया गया है यहाँ के चित्रों को, जोगीमारा अजंता के चित्रों को। अब आगे क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है जोगीमारा गुफा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जोगीमारा की गुफाएँ कहाँ स्थित हैं? ये देखिए रिटर्न दो बार हो रहा है, ठीक है, जो कि सरगुजा रियासत में 10वीं शताब्दी में ये जोगीमारा गुफा जो है रामगढ़ की पहाड़ियों पर छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पे लंबाई यानी 10 फीट है, ये ऑप्शन सही है। तो लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई 10×6×6, तो लंबाई 10 फीट है।
आगे क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो जोगीमारा गुफा से भित्ति चित्रण। तो जोगीमारा गुफा के छतों पर लाल रंग से भित्ति चित्रकारी की गई है जिसका धरातल सफ़ेद रंग है और भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्रण का उदाहरण यहीं से प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा के चित्र बने हैं छत पर बने हैं। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितनी पूर्व वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो ये ऑप्शन यह 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं जोगीमारा गुफा में। आगे क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ राज्य, यानी डी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है कौन? जोगीमारा गुफा। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जोगीमारा गुफा के चित्र बने हैं छत पर बने हैं, देखिए दोहराया गया है, ठीक है, लेकिन इसको डिटेल से पढ़े तो वही आता है कि 10x6x6 ये इसकी नाप है, छत पर बने हैं। और जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ के पर्यटक, ये सभी दिया गया है, लेकिन ब्लॉक ने इस गुफा के लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना है और इसकी कला पर जैन धर्म का प्रभाव माना है, ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित जोगीमारा गुफा है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? भारत में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? बाघ, जोगीमारा, बादामी और सित्तनवासन। तो बी ऑप्शन सही है, यानी जोगीमारा गुफा। मिला जुला के एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा है, लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग अलग है, यानी जितनी बार पूछा जा सकता है उतनी टाइप से पूछा है, और उसके जो डिटेल्स दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अगर यूथ कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हैं घर पर तो डिटेल से ज़रूर पढ़िए और 2-4 बार ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अब अजंता की गुफा के बारे में नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो जैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें जिससे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिलता रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती रहेंगी, सूचनाएँ मिलती रहेंगी सबसे पहले। और ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। यूथ कॉम्पिटिशन अगर आपके पास बुक नहीं है तो वहाँ से लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाके लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से बुक परचेस कर सकते हैं। ज्योति मैम से आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विधिवत पढ़ते रहिए। थैंक यू।